I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna... और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। टुडे फाइनली जो है ना वो कसम तोड़ दी मैंने। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई व्लॉग कहाँ गए, किधर किधर हो, कहाँ गए वो, और बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे थे पेट्रोल महंगा होने की वजह से। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। बट आज का दिन जो है ना, मैंने सोचा कि आज निकलना चाहिए, तो एक ऑफिशियली पिकनिक थी हमारी जो टोटली मतलब स्पॉन्सर्ड ही है लाइक। तो अब आज सिनेरियो ये कि मैं पहुँच गया सनवे लेवन। तो सनवे लेगोन पे मैंने पिकनिक कर लें आज और थोड़ा सा इंजॉय भी कर लें, और गर्मी की वजह से निकलने का बिल्कुल इरादा ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मूड ही नहीं है कि गर्मी में जो है ना वो बाहर निकला जाए। और मुझे तो बिल्कुल मतलब, तो जितने भी और जो एडवेंचर जो एक्सप्लोर करनी है, चीज़ें चीज़ें डिस्कवर करनी है, वो थोड़ी सी गर्मियाँ कम हो जाएँ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद अपने जो डिस्कवरी है वो करेंगे। इसके साथ साथ सनवे लेगोन की एंट्री स्टार्ट हो गई है और मैं आपको अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलवाता हूँ आज। मतलब इससे मिलवाना मतलब ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो ना ये आ रहा है पीछे ये मेरे ऑफिस कोलीग्स में सबसे मतलब कह सकते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और बाकी मजीद जो है ना सनवे की एंट्री तो हो गई है। ओह माय गॉड, ये तो शुरू में शावर दिया है ना उन्होंने, तो शावर दिखाता हूँ पहले भाई। ये भाई शावर के शशके, थोड़े से शावर के शशके हैं और बाकी देखें। ये भाई फराज भाई और ये इमरान भाई हैं, ये जिंदगी में पहले वो सनवे लेगोन आए तो इमरान भाई अपने हड्डे पे नहीं आए, कंपनी ने भेज दिया तो आ गए। कंपनी ने चुना, कंपनी सबका निकाला है भाई, आईटी में किसी को छोड़ गया तो कंपनी के धक्के के बाद जो है ना एक आला गरीब आदमी दिख रहा है आपको, देख देखते हैं गरीब इंसान। इमरान भाई क्या तासुरात हैं आपके, आप बताओ क्या था, बेचारे कपड़े तक फट रहे हैं, गरीब आदमी की इंतहा है, क्या तासुरात फटे कपड़े के, जिंदगी में पहली बार कंपनी। स्टार्टिंग बहुत अच्छा था और स्टार्टिंग में थोड़ा सा शावर वाला उन्होंने एक लश्कारा दिया था। मैंने सोचा कि मैं काफ़ी डिटेलिंग ब्लॉग करूँगा, खाली ये नहीं कि पानी में घुसना है और वापस आना है, सारी चीज़ें। तो काफ़ी डिटेलिंग ब्लॉग में मुझे पहला जो पॉइंट नज़र आया वही नज़र आया आपको, मेरे पीछे अगर दो बोर्ड नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, तो पहली चीज़ ये कि काउंटर यानी कि जो आपके लॉकर्स हैं वो आपको खुद परचेज़ करने हैं पहली चीज़, और 300 रुपीज़ चार्जेस हैं यहाँ वाले, और 1000 रुपीज़ डिपॉजिट चार्ज करना है इनको, यानी कि डिपॉजिट ही रखेंगे अपने पास एज आ एडवांस, इन केस अगर आप की घुमा देते हो, की मिसिंग हो जाती है आपकी, तो उस सूरत में आपका जो डिपॉजिट है वो वापस नहीं जाएगा। बट मुझे जो एक अजीब सी चीज़ लगी, वो क्या लगी वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले इन्होंने जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर आपको जो है अपनी कीमती अशिया रखनी है अपनी ज़िम्मेदारी पर। और चाबी ढूंढने की सूरत में भी 1000 रुपये डिपॉजिट हमारा जाएगा, अशिया भी अपनी मर्जी से मतलब अपनी ज़िम्मेदारी पर रखें, तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, आई डोंट नो। चलें पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अनदर थिंग इज़ दैट के लॉकर हैं वहाँ वो इतना दूर, और चाबी लेने के लिए जाना है वहाँ इतना दूर, तो भाई सीन 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 सही तो लग रहा हूँ मैं, हाँ सीन यही चल रहा है। अब लॉकर की चाबी लेंगे पहले और फिर वहाँ जाके, यहाँ से एक ताला मिलेगा सिंपल सा और वहाँ जाके लॉकर में लगाना पड़ेगा। तो मेरा व्लॉग जो भी देखेगा वो तो सारी चीज़ें पहले से देख लेगा, वो गेट में घुसते ही पहले ही लॉकर ले लेगा, उसको लॉकर की ज़रूरत है तो और आगे, और आते ही सामने है लॉकर, तो स्टार्टिंग में चाबी ले लो ताकि वहाँ जाकर एक्साइटमेंट में वापस आ गए, फिर यहाँ पे ताला ना खरीदना पड़े। तो
ये चीज़ आप पहले से देख लो। डिटेलिंग व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि जो नए आने वाले हैं ना उनको पहले से पता हो जाए। बहुत सी फैमिलीज अब कराची में दूर दूर से आ रही हैं और अलग अलग तरीके से दौरा इन्जॉयमेंट करती हैं, तो इसलिए चाबी लेते हैं। चाबी लेने का लॉकर में सामान रखते हैं, फिर चलते हैं ना। दो तावीज़ मिले 1300-1300 रुपये के, दो तावीज़, एक गेरा 13 नंबर और ये। अब अगर ये एक की घूमती है ना तो 1300 रुपये हमारे गए, पता है आपको। और ताला भी कोई इतना ख़ास नहीं है कि बंदा ले जाके बाइक में डाल, अगर अच्छा वाला हो तो तुम कुछ पूछते तो। लेकिन फ़िलहाल ये तावीज़ मिले 1300-1300 के, दो तावीज़। अब मज़ीद जाके देखते हैं लॉकर में, कोशिश ये करेंगे कि 2-3 बैग्स एक साथ आ जाएँ तो फिर हमारा काम हो जाएगा आसानी से। लॉकर से जाने कौवे बड़ा तंग कर रहे हैं अच्छे लोगों को, और मोबाइल देखते लोगों की निगाहें जो है ऐसी आ जाती हैं इस तरफ। बस लॉकर तक जाते जाते जो है ना अभी हालत हो जाएगी टाइट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉकर का साइज़, तो लॉकर का साइज़ है इतना सा लॉकर है, इसमें सिर्फ एक बैग जाएगा और एक बैग जाने के बाद फिर और दूसरी चीज़ रख नहीं सकते, और इसको भी 300 रुपीज़ चार्जेस हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, हो क्या रहा है, गजब बेइज्जती है। अगेन आप लोग सोचोगे अचानक से रेड से ब्लू के हो गया। अब मैंने कहा कि अगर मैं इस चक्कर में लगा रहूँगा ये व्लॉग्स बनाने के चक्कर में तो मैं इन्जॉय कब करूँगा। अब हम आ गए हैं पूल की जाने, और अब बस पूल में जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया। गर्मियों की मेरी ये पहली, समझो कि पहला ट्रैक है गर्मियों का जो मैंने वो भी बाइक पर नहीं किया, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ट्रैक में बड़ा फ़र्क होता है। आज मैं बस में आया काफ़ी टाइम बाद, लेकिन यार अपना जो बाइक का मज़ा है वो एक अलग ही चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, और ये फ्रेंड्स के साथ एक अलग चीज़ है। ये लगून के अभी पहले हम खुद नहाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले मैं खुद देखूँगा, स्लाइड्स वगैरह रेडी है, स्लाइड्स वगैरह करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। और मुझे पता है कि इतने शोर में जो है ना वॉइस बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा होगा, तो ज़्यादा कैमरे के सामने भी नहीं रहूँगा, चलते हैं बस स्लाइड्स की जाने, स्लाइड्स दिखाता हूँ, इन्जॉय करने के बाद दिखाएंगे। तो फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि माउंटेन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और काफ़ी जितना सोचा था जिस तरह की चीज़ें थी वैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली, और अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त करने के लिए, बहुत रिलायबल है, आ सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी जो बतानी ज़रूरी थी मुझे, लेकिन ये कि सही है, फैमिली के लिए अच्छा है और मज़े की जगह है और सुकून भी है, आ सकते हो बहुत। तो मज़ीद फ्लाइट भी चलते हैं, फ्लाइट की वीडियो बनाई थी लेकिन वो मोबाइल पर बन नहीं सकी, कैमरा हम लेकर नहीं आए GoPro आज। तो जो शॉट्स हैं ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँगी फाउंटेन, तो बस फाउंटेन देखें और फिर आगे मजीद करते हैं, थोड़ी देर स्विमिंग कर लेते हैं, और ये हम एक होटल वगैरह रख लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ी स्विमिंग करते हैं आपको फिर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो स्लाइड्स, बहुत मुझे मज़े की लगी वाली स्लाइड में, बहुत ज़्यादा डर लगा, मैंने कोशिश की बनाने की लेकिन लगा भाई डर लगा। तो स्लाइडें मज़े की हैं और पूल्स भी मज़े के हैं, अच्छा है एनवायरनमेंट, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है अभी तक, क्योंकि उतनी ज़्यादा अभी तक रश हुआ नहीं है, उतना क्राउड है नहीं, और पूल बड़ा मज़े का, मतलब पानी साफ़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और ड्यूरिंग द स्लाइड जो है वो मोबाइल कवर भी टूटा लेकिन बच गया, मोबाइल गिरने से कैप वगैरह गिर गया था बट मिल गया मुझे। तो अभी बस चलते हैं, और पानी पानी पानी, आज दिन है पानी पानी, चलते हैं पानी दिखाते हैं और मज़ीद मैं इंजॉय कर लूँ। मैं ब्लॉग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, तो पानी में से उतर कर जाना पड़ेगा, सोचा ही नहीं। चलो आ रहा हूँ, वो मैंने पाउच से मोबाइल, चलो पानी में उतरता है, ये रहा पानी।
अच्छा भाई, यहाँ की जो मशहूर मशहूर सौगात है ना, वो क्या है कि वो है वेव पूल। वेव पूल में जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए वेव पूल में नहीं जा रहा, लेकिन वेव पूल के मज़े दिखा सकता हूँ आपको फिलहाल। गाइस आर मेकिंग एंजॉय वेरी मच, और इस वक्त वेव पूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बहुत मज़े ले रहे हैं फिलहाल जो है वो। मेरे सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं जा रहा। ये फराज भाई और ये हमारे ऑफिस कलीग हैं, ये अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये हमारे इमरान भाई हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है। और बस आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के बाद वेव पूल की वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद तो मैं भी चलता हूँ वेव पूल में, मज़े करते हैं थोड़ा सा। फाइनली जो है वो सनमे लेगून का जो है वो इख्तिताम हो गया, नहा लिया हम लोगों ने बहुत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।